हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, यदि आप किसी भी जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो apexeclass.com वेबसाइट पर अनेक प्रकार के मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री है। यहां से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर कर पाएंगे। यहां पर आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर आप जो आप दे सकते हैं, साथ में आपको सही और गलत का भी साथ के साथ बता जाता कि आपने उत्तर गलत दिया या सही दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है apexeclass.com वेबसाइट का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं HSSC ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट से संबंधित। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट का जो समय है या जो पीरियड था, एक साल होता है वैलिडिटी, ठीक है, और उसकी 20 तारीख के आसपास एंड होने की बात यहां पे सामने आ रही थी। दोस्तों, इस भर्ती का जो वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और इसी से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत सारे साथियों को अब जॉब मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आप इस नोटिस में देख सकते हैं 23 तारीख की मीटिंग बताई गई है, 23 जनवरी 2020 की 10 बजे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है 4/2018 ग्रुप डी भर्ती है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्कस रिलेटिंग टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ ग्रुप डी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है और जो लिस्ट बच गई है उसके बारे में ये बातचीत करेंगे और उसके ऊपर कोई निष्कर्ष निकालेंगे और जल्द ही आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होने वाली है। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि जितने बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं लगभग सभी के सभी जॉब में लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का ये नोटिस है और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट के टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ा सकता। देखो, यदि हरियाणा सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन वैलिडिटी हमारी लगभग एक साल की होती है, ठीक है, और इसको यदि सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है अपने फायदे के लिए या कैंडिडेट के फायदे के लिए, ठीक है। ये एक अपडेट थी और जो आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट इस बारे में आए थे कि सर वीडियो डालो, और दोस्तों आपको भी कुछ ना कुछ इकट्ठे होकर मिलजुल कर बातचीत करनी चाहिए गवर्नमेंट से ताकि जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तो ये एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो अपन यहाँ तक देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।